Yes, friends, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेजेज 8 इज 2.5, द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 6 डे वीक इज इन अ 6 डे वीक इज 200 रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी। द डेली वेजेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर हु शो अप टू 66.2/3% ऑफ द एफिशिएंसी। बियॉन्ड दिस देयर इज अ बोनस पेबल ऑन अ ग्रेडेड स्केल। 82% एफिशिएंसी पे हम 5% देते हैं, 90% पे 9%, 100% एफिशिएंसी पे 20% देते हैं। फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी। इन अ डे 6 डे वीक ए प्रोड्यूस दिस, बी प्रोड्यूस दिस, सी प्रोड्यूस दिस, डी प्रोड्यूस दिस एंड ई प्रोड्यूस दिस। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ दीज वर्कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है समझना। हमें पहले तो ये देखना है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है और उस एफिशिएंसी के बेसिस पर फिर हम उनकी अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग, ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ए बी सी डी ई जो आउटपुट है, ए का है 180, बी का है 164, सी का है 200, डी का है 208 और ई का है 130। नॉर्मल जो प्रोडक्शन था वो है 200, तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसीज ए की है 90%, बी की 82%, सी की 100%, डी की 104% और ई की 65%। अब क्या बोला इन्होंने कि द डेली वेजेस रेट इज पेड विदाउट बोनस। टू दोज हु शो अप टू, जिनकी इतनी तक है, ठीक है। तो अब हम एप्लीकेबल रेट देखें क्या होगा। बोनस एप्लीकेबल, इसमें तो कोई नहीं होगा, इसमें 5% होगा, इसमें 9% होगा, इसमें 20% होगा और इसमें क्या होगा, 20% प्लस 4%, यानी कि हर 1% इंक्रीज के लिए 1% होगा। ठीक है, अर्निंग क्या होगी देख लें। एक सेकेंड, तो लेबर कॉस्ट क्या होगी, 6 × 2.5 ₹15, ठीक है ना। बोनस क्या होगा, चौबीस का मतलब है ₹3.60 और मिल। अर्निंग कितनी होगी, 16, 35, 15, 75, ₹18.60
ये 15 रुपए, ये इनकी अर्निंग हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन का खेल है, जिसको समझ में जल्दी आ जाए वो कर लेगा। थैंक यू।